टोक्यो ओलंपिक के दिन भर के अपडेट और खेल जगत की खबरों के साथ मैं शुभम किशोर स्वागत करता हूं आपका लाइव लगातार पर। आज ओलंपिक के चौथे दिन भारत ने इतिहास रच दिया। तलवारबाजी में भारत की भवानी देवी ट्यूनेशिया की नादिया बेन अजीजी को हराकर ओलंपिक में तलवारबाजी का मैच जीतने वाली पहले भारत की एथलीट बन गई हैं। हालांकि वह अगला मुकाबला हार गईं, लेकिन इन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। चलिए फटाफट नजर डालते हैं आज के जीत और हार के आंकड़ों पर। तलवारबाजी में सीएस भवानी देवी का सफर राउंड 32 के मुकाबले में हारने के बाद खत्म हो गया। वहीं बात करें तीरंदाजी की तो वहां भारतीय पुरुष टीम को क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया के हाथों हार मिली। टेबल टेनिस में शरद कमल ने पुरुष एकल वर्ग में तीसरे दौर में जगह बना ली है। बैडमिंटन में साई प्रणीत पुरुष एकल बैडमिंटन में नॉकआउट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। वह अपना पहला मैच इसराइल के मीसा जिल्बरमैन से सीधे गेम में हार गया। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा तीसरे दौर के मुकाबले में ऑस्ट्रिया की सोफिया पोल्कानोवा के हाथों हार गई। निशानेबाजी में स्किट क्वालिफिकेशन में मिराज खान और अंगद बाजवा को हार मिली। वहीं टेनिस में पुरुष एकल वर्ग में सुमित नागल को हार का सामना करना पड़ा और वो ओलंपिक से बाहर हो गए। बॉक्सिंग में आशीष कुमार पहले राउंड में हार गए। तैराकी में साजन प्रकाश पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाए। सेलिंग में विष्णु सर्वनन तीसरे रेस में 24वें स्थान पर रहे। ओवरऑल वह 34 अंक के साथ 25वें स्थान पर रहे। महिला हॉकी टीम को जर्मनी ने आज के मुकाबले में 2-0 से हरा दिया। इस मैच में टीम को पेनल्टी स्ट्रोक भी मिला जिसे गुरजीत कौर भुना नहीं पाई। वहीं आज एक खास बात सुर्खियों में रही जिससे भारतीयों में गोल्ड मेडल की उम्मीद जग गई है। दरअसल वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू का रजत पदक स्वर्ण पदक में तब्दील हो सकता है। ये बात तब आग की तरह फैल गई जब ये खबर आई कि गोल्ड मेडल जीतने वाली चीनी खिलाड़ी का डोप टेस्ट किया जा रहा है। ऐसे में अगर वो इसमें फेल हो गई तो चानू को गोल्ड मेडल हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। ओलंपिक के ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें लाइव लगातार के साथ और पढ़ते रहें लगातार.in। चीयर फॉर इंडिया। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।